इस प्रकार करने से आप घर बैठे इस प्रकार करके इसको दबाकर आप सिंपल सा पेंसिल लेके या पेन लेके घर पर बैठकर आप अपना को हमारे बहन जी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जैसे इनकी बाजू ऊपर नहीं जाती, ये अपने नसों को चलाकर दबाकर इनके पॉइंट किए जा रहे हैं। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। इससे ये क्या है कि जो सर्वाइकल की जो हमारी यहाँ से नसें हैं ना, जैसे कई बार क्या होता है कि इधर नस ब्लॉकेज हो जाती है और आगे जाके हाथ भी चलने बंद हो जाते हैं और जहाँ हाथों में सनसनाहट सी आनी शुरू हो जाती है, तो ये इसको ये चलाने से रक्त संचार प्रॉपर चलता है। जो फ्रोजन शोल्डर या सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उसे काफ़ी हद तक आराम मिलता है। ये इसमें ये भी एक नसों का ही है, ये अपना इस पॉइंट को दबाने से जो बॉडी के नीचे जो बाजू में पूरा फ्लो है वो फ्लो जाएगा। जो बाजुओं में फ्लो जा रहा है, जो बाजुओं में फ्लो ना जाने के कारण इनके कंधों से दर्द शुरू हो जाती है और कंधों में ब्लड सर्कुलेशन ना जाने पर दर्द होती है। ये इस प्रकार करने से आप घर बैठे इस प्रकार करके कोई भी प्राणी जो भी अपनी सर्वाइकल या फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम लेके दर्द में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो ये थोड़े से पॉइंट कर काफ़ी हद तक अपने घर पे खुद इलाज कर सकते हैं। हाथ में ये जो पॉइंट कर रहे हैं, जो हम अंगूठे को ऐसे कर रहे हैं, ये शोल्डर का पॉइंट है, इसको करके फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल को काफ़ी हद तक निजात पाई सकती है। ये भी एक शोल्डर का ही पॉइंट है, अंगूठे में और हमारी अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है इसको अगर आप ऐसे नींबू की तरह निचोड़ेंगे तो ये शोल्डर और सर्वाइकल प्रॉब्लम को इससे निजात मिलती है। और ये भी फ्रोजन शोल्डर का पॉइंट है, सर्वाइकल का पॉइंट है, इसको दबाकर आप सिंपल सा पेंसिल लेके या पेन लेके घर पर बैठकर आप अपना इलाज कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी भी अपने परिवार के सदस्य को उसको बताकर ये वीडियो देखकर आप घर पे अपना इलाज खुद स्वयं करें। दोनों हाथों पे सेम पॉइंट है, जैसे अंगूठा का ये वाला पॉइंट, फिर अंगूठे के साथ वाली उंगली वाला पॉइंट, और उसके बाद जो हमारी सबसे छोटी उंगल है और ये साथ वाली उंगल में बीच में पॉइंट, इसको दबाकर आप काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम को खुद घर बैठे स्वयं इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तुहानू की दिक्कत सी? मैनू गोडे दर्द सी, पीछे कमर इत्थे दर्द सी पीछे। ते किन्नी क सिटिंगां लईआं तुसीं जी? मैं एक हफ्ता ते लाजपत नगर जांदी रही हां। ठीक है, ओदे बाद मैं छोड़ता, अज मैं फिर ओदे बाद आई। ते तुसीं जदों एक हफ्ता गए सी ते तो एको प्रेशर दा ट्रीटमेंट कराया सी, ते तुहानू की आराम मिलिया सी जी? मैनू काफ़ी आराम मिलिया सी, काफ़ी चिर मेरा समय। ते तुसीं की कहना चाहोगे कि यह एको प्रेशर प्रणाली ठीक है? हाँ जी, बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत फ़ायदेमंद है, धन्यवाद जी। तो करनाल प्लस के जो चैनल आपके हाईलाइट हो रहे हैं उनसे बात करके, हम संपर्क करके आप अपने किसी भी गांव, शहर या किसी RW सोसाइटी में फ्री एक्यूप्रेशर कैंप लगवा सकते हैं।